नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रीणवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न संख्या 5 को हल करना सीखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 5 पे, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्त्य को 1032x -408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाए, ये जो ऊपर संख्या युग्म दिया हुआ है, इस संख्या को किस रूप में लिखा जाए? इस रूप में 1032x -408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाए। तो x का मान ज्ञात करना है, और किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा उपयोग करके। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि इन दोनों संख्या युग्मों का मैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद उस मैसे को इस रूप में बताया है तो उस मैसे को इसके बराबर लिख कर मैं एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले 408 और 1032 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि यहां पर 1032 बड़ा है, 408 छोटी संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a बराबर b गुणा q प्लस r, यहां पर a का मान हमेशा b से बड़ा होता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो a है वो भाज्य है, b भाजक, q भागफल और r है वो शेषफल है। तो चरण फर्स्ट लिखेंगे, a कितना है बराबर बड़ी संख्या 1032, बी कितना है 408। तो इनके मान इस समीकरण में लिखना है, तो ए का मान लिख दीजिए 1032 बराबर बी है 408 गुणा क्यू यानी भागफल अपने को ज्ञात करना है। तो भागफल ज्ञात करने के लिए इधर रफ कार्य के अंदर अपने भागफल ज्ञात करते हैं, 1032 में 408 का भाग देना है। तो 408 का 1032 में भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है, दो बार जा रहा है, तो 2 8 16 1 16 का 1 2 4 8 घटा दीजिए, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 गया 2, और इधर क्या बच गए, ये 2 में से 1 गए 1, और 10 में से 8 गया 2, 216 शेष बच गए और 2 भागफल। तो यहां लिख देंगे 2 भागफल प्लस 216 शेषफल, चूंकि यहां शेषफल शून्य नहीं है तो भाग प्रक्रिया आगे और दोहराएंगे। तो इस 216 का भाग किस में देंगे, इससे पहले वाले भाजक 408 में, तो दे दीजिए। अब देखिए चरण दूसरा शुरू हुआ है, तो यहां आपको चरण दूसरा लिखना है। तो इसमें बड़ा संख्या कौन सी है, 400 ए, तो उसको ए के रूप में लिखेंगे 408 को, और बी है 216 गुणा भाजक, भागफल कितना आएगा भाग देख के देख लेते हैं, 216 का भाग देंगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है, एक बार, कितनी बार जा रहा है, एक बार भाग गया। तो यहां तो 216 घटा दीजिए, 8 में 6 गए 2, और इधर 10 में से 1 गया 9, 9 शेष बचे, और 3 में से 2 घटाने पे 1 शेष बचे, तो शेष फल 192 आ गए। तो भागफल 1 प्लस शेष फल 192, तो शेष फल शून्य नहीं आया है, इसलिए भाग प्रक्रिया को आगे फिर दोहराएंगे। अब जो भाग देंगे, इससे पहले वाले भाजक 216 में भाग देना है, तब 216 में भाग दीजिए कितनी बार, अब तीसरा चरण शुरू हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा चरण शुरू हुआ है, तो यहां पर चरण तीसरा लिखना है। इसमें ए कितना है 216, क्योंकि बड़ी संख्या होती है वो ए, और बी है 192, भागफल कितना है यहां से निकाल लेते हैं, 192 का एक बार ही भाग जाएगा तो कितना आएगा 192, 6 में से 2 गए 4, और इधर 11 में से 9 घटेंगे तो 2, 24 शेष रहेगी। तो भागफल कितना आया 1 प्लस शेषफल 24, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए भाग प्रक्रिया आगे
फिर दोहराएंगे तो देखिए इस 24 का पहले वाली वाचक के अंदर भाग जाएगा। तो कितनी बार भाग जा रहा है? 7 चौक 28 नहीं, तो कितनी बार भाग जा रहा है? 8 बार। तो यहां पे देखिए 8 चौका 32, 3 8 दूना 16 और 3 19, शेष फल कितना आ गया? 0। तो देखिए तीसरा चौथा चरण लिखेंगे, बड़ी संख्या भाजक 192, छोटी संख्या बड़ी संख्या भाज्य 192, छोटी संख्या भाजक 24 गुणा भागफल कितना है? 8 प्लस शेषफल 0। चूंकि आर बराबर 0 अतः भाजक कितना होगा? अंतिम चरण का जो भाजक होगा वही क्या होता है? मैसा होगा। अतः 408 और 1032 का महत्तम समापवर्त्य बराबर भाजक कितना है? 24। इसलिए मैं से भी 24 होगा। अब प्रश्नानुसार क्या करना है? प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? जो इनका महत्तम समापवर्त्य है वो 1032x-408 × 5 के रूप में। ये प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों का जो मैस है उसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको हल करेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले x वाले ये पूरा पद एक बार इधर लिख लेते हैं, 1032x-408 × 5 = 24, ताकि थोड़ा आसान लगे कि बाएं पक्ष में अगर x का मान रखेंगे तो वो प्रश्न हल करने में आसानी रहती है। तो 1032x, अब इसको गुणा कर लीजिए, -5 8 40 और 5 6 20, 2040 = 24। अब सिर्फ x का मान इधर रखना है, बाकी सारे मान हैं वो दाएं तरफ लेके जाएंगे। तो 1032x = 24 तो है, 2040 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 2040, या 1032 × x है, इधर इनको जोड़ लीजिए, 4 6 0 और 2, या 1032 को दाएं तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये गुणा में है, इधर आते ही भाग में चली जाएगी, भाग 1032। अब आपको क्या करना है? भाग दे लीजिए या x बराबर, ये देखो 2 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2, यानी कि 1032 × 2064। तो यहाँ x का मान कितना आ गया? 2। और अपने को यही ज्ञात करना था कि यदि संख्या 408 और 1032 के मैसे को 1032 और 408 के रूप में लिखा जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। अतः x बराबर 2, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।